गलत है ना ये गलत लिखा हुआ है। लाओ लाओ यार, रख के चले जाओ यार। तुम यार इतने समझदार हो यार, पीछे पीछे हमारा कोई मतलब नहीं है तुमको, ठीक है? हमको क्यों पीछे हो जाओ, पीछे हो सब लोग। कर रहे हैं पीछे, कर रहे हैं, कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हिम्मत रखो। जो युवा है ना, हमारा देश युवा प्रदेश है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जितने युवा हमारे पास है 16 से 28 के, उतने किसी कंट्री के पास नहीं है। लेकिन दिक्कत होता है हमारे अब ये क्या कहता है कि युवा नींद है, और युवा अगर काम करने जाए रोजगार तो साले माधरचोदी की युवा को रोकते हैं। मैं कम से कम 80,000 लोगों को रोजगार देता हूँ और पैसा देता हूँ दिल्ली से बैठ के अपनी कंपनी से, ये साले मेरी मार रहे हैं। बताओ क्या किया जाए? अच्छा होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। 130 करोड़ लोग वोट देने वाले, कितने करोड़? 130 करोड़। 120 करोड़ जो वोट देने घर से निकलते हैं, 10 करोड़ अंबानी, टाटा, बिरला, श्याम सुंदर, पहलवान, लक्ष्मी नारायण, ये घर से वोट देने जाते ही नहीं। लेकिन हक लेने के लिए जब 120 करोड़ खड़े होते हैं, जिन्होंने सरकार बनाई है और मोदी बनाया है, तो पता है जब किसान जाते हैं तो क्या होता है? पानी फेंक के वापस भेज देते हैं। सरकार बनाने वालों को 120 करोड़ को कभी हक नहीं मिलता। आज तक बता देना यार, आज तक बता देना, किसी के भी बाप की सरकार रही हो, 120 करोड़ को। अच्छा अब रह कौन से गए? अब रह कौन से गए? समझदार हो, हिम्मत मारो यार। एक दिन का खेल है। इसमें प्रॉब्लम है, नहीं चल रही है सही आ रही है। 120 करोड़ जो थे ना, उन्होंने वाकई में वोट दिया, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे फायर ब्रिगेड में हो, चाहे वो वकील हो, लेकिन उसको हक नहीं मिलेगा भाई साहब। वो कुत्ते की तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहेगा। 120 करोड़ में से रुको, 130 करोड़ में से 20 करोड़ तो निकल गए, कितने गए? 10 करोड़ रह गए। ये बताए कौन होते हैं, नेता अभिनेता? बताए होता क्या है, होता क्या है? ये 10 करोड़ जब चाहेंगे हक ले लेंगे, ये हक तू लेंगे बताए, जब चाहे बंदे करवा देंगे, इनके पास पैसा है, ये अधिकारी का ट्रांसफर करवा देंगे क्योंकि इनके पास पैसा है, ये सारे पॉलिटिक्स को खरीद लेंगे क्योंकि इनके पास पैसा है। सारे जो 10 करोड़ है नेता और अभिनेता, लेकिन किसान को नहीं मिलेगा हक क्योंकि उसकी जेब में पैसा। बिल्कुल बिल्कुल सत्ता भाई साहब, इस करप्शन को अगर कोई माइका लाल मिटा जाए ना नोटबंदी करके सामने से, तो भाई साहब कुत्ते के मुंह में मेरे को खिला देना, और कुत्ता जहाँ खाता है मुझे खिला देना। एक आग्रह कर रहा हूँ, यार कुर्सी चाहिए नहीं, सुनो कुर्सी चाहिए नहीं, सिर्फ 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन दे दो। अगर जड़ से करप्शन खत्म नहीं कर दिया तो सारा एक बात की औलाद नहीं। इस करप्शन को टंकी के बाल से बंद करना पड़ेगा, टंकी के बाल से, नीचे की टाटी से नहीं होगा। तुम ये बात करो ये तुम देख लेना, और वीर पैदा पहले भी होते रहे थे, राम नहीं हुआ,
अध्यक्ष भी नहीं हुआ और नहीं हुआ, ठीक है, और वीर आदमी बताएंगे। लेकिन होता क्या है बताए, एक मैं बच्चे देश के बाद